ये देखिए बड़े ही डिलीशियस सा हमारा ये दाल दिउसिया तैयार हो गया है। बेहद टेस्टी होता है खाने में ये, आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है ये दाल दिउसिया। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे, वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं नागपंचमी स्पेशल दाल दिउसिया। तो दाल दिउसिया बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं ये है तुअर की दाल, मीन्स अरहर की दाल, तो इसे पिजन पी भी कहा जाता है। तो मैंने 1 कप ये तुअर की दाल ली है और इसको हमने वॉश कर लिया है, 3 से 4 बार हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। उसके बाद में हमें लगेगा व्हीट फ्लोर, मीन्स गेहूं का आटा, तो मैंने ये व्हीट फ्लोर भी 1 कप लिया है। उसके बाद में हमने 5 से 6 ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च ली है जिसको हमने काट के रख लिया है। हमें ऑयल लगने वाला है, उसके बाद में हमें लगेगा सॉल्ट यानी कि नमक, रेड चिली पाउडर मीन्स लाल मिर्च पाउडर, मस्टर्ड यानी कि राई, उसके बाद में हमें क्यूमिन सीड मीन्स जीरा लगने वाला है, टर्मरिक यानी कि हल्दी, और ये है ग्रीन कोरिएंडर मीन्स हरा धनिया। बनाना बहुत आसान है, और इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखिए। सो फ्रेंड, मेरी इजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कुकर लेंगे हम, कुकर लिया है, कुकर में हम हमारी धोई हुई दाल को पलटा देंगे। हमने 1 कप ये दाल ली है, अच्छे से इसे 3 से 4 बार आप इसे वॉश कर लीजिए। और ये नागपंचमी स्पेशल है, हमारे यहाँ पे नागपंचमी में सुबह के टाइम में ऐसा सिंपल सा दाल दिउसिया बना के खाया जाता है। और ये जो ग्रीन चिली से इसे हम रात में ही कट करके रखना पड़ता है। उसके बाद में हमें लगेगा इसमें टर्मरिक, अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून टर्मरिक मीन्स हल्दी, और इसमें हम डाल देंगे पानी, जो हमारे दाल को पकने के लिए जितना पानी लगेगा उसके अनुसार हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमने इसमें आधा ग्लास के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, अब इसे हमें 4 से 5 सीटी होते तक पकने देना है। हमने कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है, इसका ढक्कन लगा देते हैं और हमें इसे 4 से 5 सीटी होने देना है। अभी हमारी सीटी होने देते हैं, हम इसे पकने देंगे जब तक हम हमारा आटा तैयार करते हैं। आटा तैयार करने के लिए फ्रेंड्स हमने क्या किया है, हमने कटोरा में आटा डाल चुके हैं। अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा टर्मरिक मीन्स 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। इसमें हम डाल देंगे हमारे आटे को थोड़ा सा नमक लगेगा, तो उसके हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, ऐसे हमें अच्छे से मिक्स करके हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना, और मिक्स करने के बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और रोटी के हम जैसे आटा गूंथते सॉफ्ट सा उस तरह से हम इसे गूंथना है। तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमारी रोटी के लिए हम जिस तरह से भिगाते हैं उसी टाइप का हमें इसका तैयार करना है। देखिए इस तरह का हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। अब इसे हम ढक के रख देंगे। चलिए हमारी दाल भी पक चुकी है, ये देखिए दाल काफी अच्छे से पक चुकी है। अब इसे हम क्या करेंगे, हमारे मतली के हिसाब से इसे हमें पूरा इसको हमें मत लेना है, इसको हमें एकदम चिकना कर लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे गैस पर एक पैन रखेंगे। देखिए मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड मीन्स राई, ये डाल देते हैं, और 1/2 टीस्पून जीरा मीन्स क्यूमिन सीड, इसे हमें अच्छे से फ्लटर होने देना है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी कटी हुई हरी मिर्चें, हमारी हरी मिर्च को हल्का सा निशान बन तक फ्राई करना है। अब इसमें, अब ये हो चुका है, इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा हरा धनिया,
इसमें डाल देंगे, क्योंकि ग्रीन चिली हमने डाली है फ्रेंड्स, तो हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, तो ये 1/4 टीस्पून के करीब होंगी। ये डाल देते हैं, और उसके बाद में अभी अच्छे से हो चुका, अब इसमें हम डाल देंगे हमारी ये दाल जिसको हमने मत के रख लिया था। इसमें हमको पानी लगेगा, और ये पानी इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं, क्योंकि हमारे जो हम इसमें दिउसिया जो बनाने वाले हैं तो वो इसमें पकेंगे, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पानी लगेगा। अब इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट, यानी स्वाद के अनुसार हमें नमक लगने वाला है, तो हमने नमक डाल दिया है। जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है उस पीरियड में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारा ये आटा पूरा तैयार है, थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लेंगे और इसके हमें पेड़े बनाना है। जैसे पूरी के लिए हम बनाते हैं वही साइज के आप बना सकते हो इस टाइप से। अब इनको हमें, ये पेड़ों को हमें दिया का आकार देना है। हमारे यहाँ पे नागपंचमी के टाइम में, सुबह के टाइम में ये बनाया जाता है, क्योंकि गैस पे हम लोग तवा भी नहीं रख सकते और कोई भी चीज को हमें काटने की ये नहीं रहती, हम काट नहीं सकते हैं, तो कटिंग वगैरह का काम हमको रात में ही करके रखना पड़ता है। जैसे हमने हरी मिर्च जो डाली है तो इसको हमने रात में ही कट करके रखना है, और फिर और हरा धनिया भी हमें रात में ही कट करके तैयार करके रखना पड़ता, और फिर उसे हम डालते हैं। उस दिन हमारे यहाँ पे कटिंग नहीं होती, शाम के टाइम में पूरा खाना बनता है। फिर ये इस टाइप से हमें पूरे दिए बनाना है। इसको दाल दिउसिया कहा जाता है, इस टाइप से। और दाल के बॉईल होने के बाद में हम इसमें दिए डालेंगे, खाने में बेहद टेस्टी होता है ये। इसे सर्व करने के टाइम थोड़ा सा घी डाल के भी आप खा सकते हो, और ये हल्का सा मोटा ही रहेगा, पतला एकदम नहीं करते इसे, इसको हल्का सा मोटा ही रखा जाता है। बस अंदर थंब को ऐसे दबाते हुए बस इसे गोल 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 घुमाना है, ऊपर ऊपर से भी हर चीज को लेवल करते हुए जाना चाहिए कि सब तरफ से वो एक समान हो। ये देखिए इस टाइप से हमें सारे दिए बना लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे दाल में बॉईल आ चुकी है, अब इसमें हमारे ये बने हुए दिए हमें डालना है। और इसे हमें 15 मिनट तक मीडियम आंच पे पकने देना है। अब इसे हमें पकने देना है, हम इसे खुला ही पकने देंगे वरना दाल उबल के बाहर आ सकती है, इसे हमें खुले में ही पकने देना है। 5 मिनट तक इसे हमें इसी तरह से बॉईल होने के बाद में हम इसे हल्का सा पलटा लेंगे, और इसे एकदम कम आंच पे ही पकने देना, स्टार्टिंग में ही उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा रखना, ताकि दाल के अंदर हमारे ये दियो को पकने को टाइम लगेगा, तो दाल जल्दी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा पानी हमें ज्यादा रखना है, और उसी में हमें इसे पकने देना। अभी इसे हमें 15 मिनट तक पकने देना है। देखिए 15 मिनट के करीब होते आ गए हैं, और हमारी दाल दिउसिया एकदम परफेक्ट तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, गैस का पावर हम बंद कर देते हैं, और इसमें डाल देंगे हमारा हरा धनिया। हरा धनिया डाल देते हैं, इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, और फिर इसे गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए। गर्मा गर्म खाने में बहुत मजा आता है, और फिर ठंडा होने पे कैसा होता है, ये धीरे धीरे गाढ़ा सा होने लग जाता है, इसके लिए इसे गर्म गर्म ही सर्व कीजिए और खाइए। ये देखिए बड़े ही डिलीशियस सा हमारा ये दाल दिउसिया तैयार हो गया है, बेहद टेस्टी होता है खाने में ये, आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है ये दाल दिउसिया। और इसको कैसा है फ्रेंड्स, उसके पीसेस करते जाइए और दाल के साथ में कट कर करके खाते जाइए, बेहद टेस्टी, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अगर आप चाहे तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, घी डाल के भी आप इसे खा सकते हो। तो इसका खाने का तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसे कैसे खाते हैं। जैसे ये है हमारा दिया, तो इसे हमें यहाँ से कट करना है ऐसा, और इसके ऊपर आप घी भी डाल दीजिए अगर पसंद हो तो।
और नहीं भी डाले तो भी ऐसा ही अच्छा लगता है। बस दाल में लीजिए और इसे गर्मा गर्म खाइए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया हमारा दाल दियुसिया। इस नागपंचमी में आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। और वैसे फ्रेंड्स, हम लोग के यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे हमें वो सैगी तुअल नहीं मिलती, वरना इसे सैगी तुअल के साथ में भी बनाया जाता है, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी और अमेजिंग टेस्ट होता है इसका, तो इसे भी आप जरूर ट्राई करके देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड Once again, please give like and subscribe to my channel and thanks for watching my channel. Thank you so much.